नहीं गणसो, तुम ये मणि नहीं ले सकते, नहीं गणसो नहीं। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। अब गणासुर इस मणि का दुरुपयोग करके हर जगह त्राहिमाम मचा देगा। मुझे मुझे शीघ्र ही बाल गणेश जी की आराधना करनी होगी। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। प्रभु, क्या हुआ मुनिवर, आपने मुझे क्यों बुलाया? प्रभु, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। भूल? और आपसे? हाँ बाल गणेश, मुझे आपने इतने विश्वास से चिंतामणि दिया था और मैं मूर्ख, मैंने उस महाशक्तिशाली मणि को अपने गले में पहन लिया। तो उसमें क्या बुरा किया? आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। नहीं नहीं बाल गणेश, मुझे उस मणि को गले में नहीं पहनना चाहिए था। वो सबकी नजर में आ गया, जिसकी वजह से बड़ी समस्या हो गई है। समस्या? इसमें कौन सी समस्या मुनिवर? मैं वो मणि नहीं संभाल पाया बाल गणेश, नहीं संभाल पाया। गणासुर ने चिंतामणि को चुरा लिया। क्या? उसका ये दुस्साहस? चिंतामणि की असीम शक्तियों से वो सब कुछ नष्ट कर देगा। इस धरती को, इंसानों को, प्राणियों को, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। एक आप ही है प्रभु जो अब इस पृथ्वी को विनाश से बचा सकते हैं। आप चिंता ना करें मुनिवर, वो मणि आपको वापस मिल जाएगा। प्रभु धन्यवाद। मणि कहाँ गया? मेरा मणि कहाँ गया? इस चिंतामणि के होते मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले तो मैं उस ऋषि कपिला को मार दूंगा और फिर कैलाश जाकर सारे देवताओं को। सेनापति, हम इसी समय आक्रमण करेंगे, सभी दानवों को तैयार करो। कहाँ जा रहे हो गणासुर? तुम्हारी मृत्यु तो यही लिखी है, फिर तुम क्यों कहीं और जाने का कष्ट कर रहे हो? बाल गणेश, अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गए बाल गणेश, क्योंकि मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु यही लिखी है और वो भी मेरे हाथों से। ये तो समय ही बताएगा कि किसकी मृत्यु तय है। अरे कायरों, मुंह क्या देख रहे हो, मार दो इसे। दे दो या फिर मैं तुम्हें मार कर ले लूं। बताओ, दे रहे हो या तुम्हें मार दूं?
ये चिंतामणि है इसकी असीम शक्तियों के बारे में। गणासुर, वो चिंतामणि मेरा ही है, इसलिए मुझे सब पता है इसके बारे में। तुम दे रहे हो या मैं मारूं? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम तो। गणासुर, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम दे रहे हो या मैं मारूं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दे रहे हो या मैं मारूं? अरे तुम क्या मारोगे मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारे पिता भोलेनाथ को। मैं अमर हूँ। तुम्हारे पिता दोनों को मार दूंगा। आपका चिंतामणि। नहीं बाल गणेश, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरा चिंतामणि पर कोई अधिकार नहीं, इसे कृपा करके अपने ही पास रखिए। पर क्यों मुनिवर? प्रभु, ये जिस किसी के भी हाथ लगेगा वो इसका दुरुपयोग कर सकता है, और अगर कभी ये मेरे आश्रम से फिर से चोरी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल
बहुत ही सस्ती कीमत में है। क्या? ओफो अगम, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्षमा करना माते, वो भोलेनाथ ने मुझे कुछ काम दिया था, इसलिए मैं अगम के साथ नहीं आ पाया। अच्छा हुआ तुम आ गए बगम, वरना पता नहीं ये कब से हू हाँ कर रहा है। अब जल्दी से बताओ क्या काम है। माते, हम नीचे गांव में जा रहे हैं, अगर आपको कुछ सामान मंगवाना है तो बताइए, हम आते वक्त ले आएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दोनों जल्दी आ जाना ताकि हम सब साथ मिलकर भोजन कर सके। और तुम अगम जल्दी से बोलना सीख लो ताकि मुझे समझ आ सके कि तुम क्या बोल रहे हो, समझे? अरे कोई है, कहाँ गए सब? ओए ओए, कोई है? ओए ओए, यहाँ के लोग जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। तुम वहाँ ढूंढो, मैं जंगल की तरफ जाके ढूंढता हूँ। अगम, पहले सांस ले लो फिर बोलो। अगम, तुम जाके बग्गम को बुला लाओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। नंदी, ब्रिंगी, मूषक, चलो, लगता है बग्गम किसी मुसीबत में फंस गया है। अगम उठो और बताओ तुमने आखिरी बार बग्गम को कहाँ देखा था। नंदी, ब्रिंगी, मूषक, तुम सब अलग अलग दिशा में जाओ और बग्गम को ढूंढो। अगम, तुम मेरे साथ चलो। बाल गणेश, जिस किसी ने भी ये किया है काफी बड़ा और शक्तिशाली लगता है। हाँ, और गांव में एक भी इंसान नहीं है प्रभु। बचाओ, 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 वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे? वो पहाड़ी के पीछे, नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे। जिन्होंने भी ये किया है वो उस तरफ पहाड़ी के पीछे है, हमें वहाँ जाना होगा और उनके बारे में पता लगाना होगा। ये तो पाताल भैरवी के राक्षस है, पर ये सबको बंदी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं? मुझे शंका है ये जरूर इन सब लोगों की बलि चढ़ाने वाले हैं। बलि? देखो, पाताल भैरवी के राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उनका सामना डट के करना होगा। नंदी, तुम दक्षिण से हमला करोगे, भिंगी तुम उत्तर से, और अगम तुम पूरब से। प्रभु, मुझे क्या करना होगा? जब देखो तब मुझे ही फंसा देते हैं, इतने बड़े राक्षस का सामना करने मुझे ही भेज दिया, वो भी सामने के द्वार से। कोई है? अरे मैंने कहा कोई है।
पाताल भाई, अरे कोई। ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम। कब छोड़ेंगे? नंदी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। ये तो बड़ी भयानक जगह है। मैं कैसे बच बचाता आया हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इतना बड़ा राक्षस। देखो राक्षस, चाहे तो हम तुम्हें मार मार के समझा सकते हैं, या फिर तुम चाहो तो हम तुम्हें बड़े प्यार से बात करके भी समझा सकते हैं। बोलो, क्या पसंद है तुम्हें? जरा आप सुनो, क्या आपने आप को देखा है कभी? 8 हाथ 4 मुंह और 8 सिर। नहीं, मैं तो वो तो। कितनी कठिनाई होती होगी तुम्हें ऐसे रहने में, और तुम पाताल भैरवी का साथ दे रहे हो जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वो तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तुम बाल गणेश की शरण में आ गए तो वो तुम्हें माफ कर देंगे और एक अच्छा इंसान बना देंगे। कुछ समझ में आया तुम्हें? बाल गणेश, हुकम, तुम लोगों को बाहर निकालो, मैं इन्हें देखता हूँ। किसकी इतनी हिम्मत? सामने आए, कौन है? कौन है? पाताल भैरवी, इन्हें मैंने ठिकाने लगाया है, और अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बाल गणेश, बाल गणेश, शिव का पुत्र बाल गणेश, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं तो इन निर्बल और कमजोरों की बलि चढ़ाने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर पृथ्वी लोक, देव लोक और कैलाश पर राज करूंगा, राज। क्या क्या तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मेरी विशाल राक्षस सेना को मार कर मुझे भी मार दोगे, है ना? तो खड़े क्यों हो? मारो मारो, अरे मारो ना। क्या हुआ पाताल भैरवी, तू तो गया। पाताल भैरवी, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। अरे वो क्या देख रहे हो? मार दो इन सबको। इतने सारे राक्षस, इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है प्रभु। इनको मारते मारते तो शाम हो जाएगी, तब तक तो बहुत भूख लग जाएगी। उसकी चिंता मत करो भृंगी, मैं सब संभाल लूंगा। वाह वाह, अब आएगा मजा, मार दो इन्हें।
मार डाला मुझे। क्या क्या नहीं किया मैंने इनके लिए, और आज मुझे हाय मेरी कमर। बाल गणेश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ तुम्हारे दैतियों ने ही तुम्हें ठिकाने लगा दिया। अब बाकी का काम मैं ही पूरा कर देता हूँ, तुम्हें पाताल लोक भेज कर। तुम ठीक तो हो बग्गम? बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिये, वो तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे रोक सके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या कारण? नंदी ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। रुकिए, क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। हट मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ।
यह असंभव है। देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु। अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर अनर्थ कर रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको। पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा, और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया, वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, यदि समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खो, ये क्या लिया है? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। उसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो।
गणेश माँ। मैं इसे वरदान देता हूँ कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था तुझे याद है ना? अगर नंदी को फिर से गुस्सा आ गया तो तुझे ऐसी मार मारेगा कि तू जो टूटा फूटा बोलता है ना वो भी बंद हो जाएगा। तुझे मजा आ रहा है? अरे मजा सजा में बदल जाएगी यार। सामने आए यहाँ नीचे हा? नीचे वो गलती से आपको लग गई। क्षमा करे। मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अरे मूषक, तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं प्रभु, मैं भी नहीं जानता ये कौन है। चंचलासुर, चंचलासुर नाम है मेरा, और तूने मुझे जगा के बहुत बड़ी गलती कर दी है मूर्ख। मैं तुझे यही मार दूंगा। चंचलासुर। अरे ये भी कोई नाम हुआ, चंचलासुर। तेरा ये दुस्साहस, तू है कौन? मैं हूँ बाल गणेश। चलो अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। शुरुआत तुमसे ही करता हूँ और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को मार के कैलाश पर राज करूँगा। चंचलासुर, पहले मुझसे तो निपट, फिर मेरे पिता के पास जाना। अरे बालक, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पहले अपनी ताकत और मेरी ताकत तो देख। देखा मेरी ताकत का पराक्रम? चंचलासुर, अगर यही ताकत तुम लोगों की भलाई में लगाते तो अब तक तुम्हारा उद्धार हो जाता। तू मेरा उद्धार करेगा? मारो मारो, मेरी अंतर इच्छा है कि तुम मुझे मारो।
चंचला अरे रे रे क्या क्या हुआ चंचला तू तो गया चंचला सुर मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा तथास्तु जिंदा हूँ तब तक कोई बाल गणेश को कष्ट नहीं पहुँचा सकता अब मुझे गुस्सा आ रहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो है बाल गणेश नंदी जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं होगा जी प्रभु प्रभु मुझे नीचे उतारिए आओ मुशक आओ प्रभु बहुत भूख लगी है चलो ना घर जाके माँ के हाथों के मोदक खाए मोदक चलो अरे मेरे लिए रुको अरे अगम कितनी बार कहा है नंदी को गुस्सा मत दिला पर तू मेरी बात सुनता कहा है अब लटके रहो यहाँ पर क्या ऐसी बोल रहा है बोलो बाल गणेश जी बचाओ हमें माँ ये कौन है ये श्रवण है गणेश ये दूर गांव से आया है अब ये हमारे साथ ही रहेगा तुम जल्दी से खाना शुरू करो मैं अभी आती हूँ प्रभु ये लीजिए मोदक मैंने खास आपके लिए बनाए हैं
प्रभु आप विश्राम कीजिए। प्रभु पानी। कौन हो तुम? मैं हूँ श्रवण, बाल गणेश का सच्चा भक्त। मैं हूँ बाल गणेश का सच्चा भक्त, तुम नहीं। नहीं, मैं हूँ। सच्चा भक्त कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? प्रभु आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सच्चा भक्त कौन है, मैं या मूषक। मूषक तैयार हो? प्रभु जब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे डर किस बात का, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी 5 विभिन्न परीक्षाएं करूँगा, जो ज्यादा जीतेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। हाँ, लेकिन परीक्षा देते समय छल कपट का प्रयोग नहीं करना है। वक्रतुंड महाकाय। हाँ? कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजा करना अनिवार्य है, और मैंने उसके बिना ही अपना अभियान शुरू कर दिया। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? हे प्रभु हमारे सारे विघ्न दूर कीजिए। बाल गणेश की जय। सच्चा भक्त मैं ही बनकर दिखलाऊंगा मूषक, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु मैं जीत गया। अरे मूषक, श्रवण ने कहा तुम दौड़ छोड़ के खाना खाने बैठ गए थे, देखा हार गए ना। नहीं मूषक, अगर इस तरह चलता रहा तो तुम हार ही जाओगे, और श्रवण फिर सच्चा भक्त कहलाएगा। सोच लो। चलो अब दूसरी परीक्षा का वक्त आ गया। ओ, ये क्या लिखा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु आप श्रवण को ही सच्चा भक्त बना लो, मूषक से ना हो पाएगा। हमने कितनी बार मूषक से कहा पढ़ ले, अगर मूषक ने पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मूषक अब श्रवण ने 2-2 परीक्षाएं जीत ली हैं। अब सुनो, तुम दोनों के सामने अभी जो भी आए वो खाना है, पर अपनी आंखें बंद करके। क्या? अगर तुम्हें परीक्षा नहीं देनी तो हार मान लो श्रवण। नहीं नहीं प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा प्रभु। अगम बगम बांध दो इनकी आंखों पर पट्टी। क्या हुआ, तुम दोनों थक गए? नहीं नहीं, भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, बस ये आखिरी है।
मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे देखना होगा कहीं सिर्फ मुझे ही तो तीखी मिर्ची नहीं खिलाई। वाह मूषक, इस बार तो तुम जीत गए। क्या आश्रम पे आक्रमण? नंदी ब्रिंगी चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ और आपकी रक्षा करूंगा इन दैत्यों से। मूषक श्रवण, लगता है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का वक्त आ गया है। जो इसमें उत्तीर्ण होगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मुनिवर आप अंदर जाइए, इसे हम संभाल लेंगे। प्रभु मैं अकेला ही काफी हूँ इसके लिए, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। नहीं प्रभु, इसे तो मैं ही मारूंगा। बाल गणेश, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अगर लगता है कि मुझे आसानी से मार दोगे तो ये असंभव है, असंभव। काश तुम मुझे मार पाते, काश। क्या हुआ? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। रुको, मत मारो मुझे, रुको रुको। जरा तुम इनसे तो लड़के दिखाओ। तैयार हो? कहाँ जा रहे हो? बाल गणेश मुझे माफ कर दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अपनी जान बचाओ। लगी तो नहीं तुम्हें? प्रभु आपके होते हुए मुझ जैसे सच्चे भक्त को किस बात का डर? अरे तो फिर यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? माँ के हाथ के लड्डू नहीं खाने? चलो। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको धोखा दिया और मैं प्रभु भक्ति में भी मूषक राज से कम ही साबित हुआ। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ श्रवण। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास रखे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, और इसीलिए मूषक तुम जीत गए। श्रवण मेरे मित्र, तुमने सच्चा भक्त बनने के लिए गलत तरीके अपनाए, लेकिन तुम्हारा प्रभु भक्ति के लिए प्यार सही था
और जिसके दिल में बाल गणेश जी के लिए प्यार हो वो मेरा मित्र होता है। आओ मित्र, गले मिलो। प्रभु ऊपर देखिए, वो रहे लड्डू। ये तो बहुत ऊपर है। अब क्या? मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। आइए। मोदक। बालगणेश कैसे शोर है बालगणेश? मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। नहीं। मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुंचता वहाँ तक। कितना परेशान कर देते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान, ये क्या है? क्या करूं माँ, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद हैं। अच्छा नटखट। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
सरपट मूषक गण सब भागे हैं सरपट। मन भावन नटकट मूषक गण सब भागे सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन वक्र तुंड कजरारे लोचन। झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश। इतना ज्यादा शोर पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे। पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन। गणेश ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ, तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं, उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव, मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ, उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक, मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूँगा। यह असंभव है मुनिवर। अरे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर, उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। घोर अपमान, आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। बहुत साहसी है ना तू बालक, अब मेरा प्रहार सहन कर। प्रभु ये तो शिवजी का परशु है। Thank you.
क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें। क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती क्षमा दान दे, अवश्य नीतिवश मुझसे यह अपराध हुआ है, क्षमा माते क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। बाल गणेश इस टूटे हुए दांत से कई महान कार्य करेंगे माते, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होगी, और वे एक दंत के नाम से भी जाने जाएंगे माते। इस एक दंत बाल गणेश को कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय।